तो मैं अलग उसमें हूँ, गाँव में हूँ, अभी मैं और डिस्कस नहीं करूँगा। मैं मानता हूँ आपके कि ये जगह सही नहीं है वो बात करने के लिए, लेकिन जो आपकी लेगेसी है आज भी हम बात कर रहे थे। इवन पंडित बिरजू महाराज जी ने कहा कि अगर मेरी लाइफ में फिल्म बने तो उसमें बतौर अभिनेता अगर कोई हो तो गोविंद राव। तो जब इस तरह की एक महान व्यक्ति मतलब अगर ये बात कहता है और वही साथ ही अगर इस तरह की एक ओछी बात अगर कही जा सके तो ये भी एक सामने आ रही है वो जिस तरह से उनका बात कर। नहीं, ऐसा नहीं सोचिए आप, ये घर परिवार है और आदरणीय बिरजू महाराज जी जो कह रहे हैं उसके लिए मैं चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं और मुझे इस योग्य वो समझ रहे हैं उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और हर आर्टिस्ट, हर जो इस घर परिवार से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसकी एक जगह है, चांद जिसे कबूल कर ले वो सितारा जो है उसकी जगह पर कमाल ही होता है। और मेरी फिल्म जो लगने वाली है 16th आ गया हीरो, तो उसमें यही कह रहा हूँ मैं, टेक अ राइट डिसीज़न बी अ हीरो। तो आप जिस वक्त राइट डिसीज़न लेते हैं तो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि जिस वक्त शुभ हो रहा हो तब इधर उधर क्या डिस्कस करना, उसे भूलिए और उससे बाहर निकलिए और अच्छा काम करते हैं।